की घूस लेते हुए महिला प्रधान आरक्षक अनीता सिंह गिरफ्तार। इंदौर में पदस्थ महिला प्रधान आरक्षक अनीता सिंह ने एक व्यक्ति से 5000 रुपए घूस मांगे थे। 1500 पहले ले चुकी थी, 2000 रुपए घूस लेते हुए इंदौर लोकायुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। रीवा में पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट परिजनों ने सड़क में किया उपद्रव, वाहनों में की तोड़फोड़। बीती रात्रि दो भाइयों के ऊपर अज्ञात लोगों ने किया था हमला। एक की घटना स्थल पर हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बेटे की हत्या के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किया बवाल। पीएम में हुई देरी तो शव को अस्पताल चौराहे में रख कर किया चक्का जाम। AKS यूनिवर्सिटी सतना में संचालित योग शिविर एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए कलेक्टर अनुराग वर्मा और आयुक्त नगर निगम राजेश शाही। कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने सतना स्थित सांसद आवास पहुंचकर सांसद श्री गणेश सिंह की माताजी श्रीमती फूलमती सिंह जी के पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ऑल इंडिया लीनेस क्लब विंध्य सतना ने अध्यक्ष सीमा अग्रवाल के नेतृत्व में अगस्त माह की जनरल मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें क्लब द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एवं एरिया की विजिट के बारे में सभी सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी गई। सचिव लीनेस मोनिका कात्याल ने बताया कि इसी के साथ बरसात के मौसम को देखते हुए बरसात का पानी बर्बाद न हो, इसी उद्देश्य से वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानकारी दी गई। इस मीटिंग में क्लब मेंबर विशेष रूप से रहे मौजूद। ये गवर्नमेंट ने कहा है दो पौधे ताकि वो जगह छोड़ दे, अगर जगह नहीं छोड़ना है। वाटर लेवल गिर रहा है, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा रहता था कि बांध बने होते हैं। कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने सतना स्थित सांसद आवास पहुंचकर सांसद श्री गणेश सिंह की माताजी श्रीमती फूलमती सिंह जी के पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।